सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि भाई हम हार्डकोर गेमर है, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, तो क्या हमारे लिए 6GB इनफ हो जाएगा या हमें 8GB वाले वेरियंट के लिए जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मेरे पास यहाँ पर है 64GB प्लस 6GB वाला वेरियंट, और आपको बताऊंगा कि रैम मैनेजमेंट आपको ये फोन में कैसा देखने को मिलता है, क्या इसका रैम मैनेजमेंट अच्छा है बुरा है, सारी चीज आपको बताऊंगा। एकदम यहाँ पर आपको गेमिंग वगैरह सारी एप्लीकेशन वगैरह डाल के बताऊंगा कैसा आपको रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है 6GB वाले वेरिएंट में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 6GB 64GB वाला पोको F1, और यहाँ पर मैं आपको रैम बता देता हूँ कितना फ्री मिलता है। 6GB में से आपको ऑलमोस्ट 3.3GB या 3.2GB के आसपास आपको डेली देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल पे हम रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मैं 3 से 4 बड़े गेम खोल के बताने वाला हूँ, 1.5 से 2GB वाले। साथ में हम प्ले स्टोर, यूट्यूब और फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह खोल के बताऊंगा कि 6GB रैम मोर देन इनफ है, कि आपको 8GB रैम के लिए सही में जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम खोल लेते हैं यहाँ पर अस्फाल डेट, क्योंकि मोस्टली ये गेम हर एक फ़ोन में रिलोड होता है, चाहे कितना भी अच्छा रैम मैनेजमेंट हो, बहुत कम फ़ोन यहाँ पर ये फ़ोन को मेमोरी में रख पाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पोको F1 ये रखता है या नहीं रखता है। इसके बाद में हम खोल लेते हैं यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद में यूट्यूब खोल लेते हैं, यूट्यूब खोलने के बाद हम आपका फेवरेट गेम पबजी खोल लेते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप बोल सकते हो एप्लीकेशन की जो ऐप ओपनिंग टाइम है स्नैपड्रैगन 845 में बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर ये डिवाइस को मैं 3 दिन से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साथ में हमारा पबजी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए यहाँ से ही हम बैक कर लेते हैं और बाद में यहाँ पर ये गेम को देखेंगे। साथ में प्ले स्टोर खोल लेते हैं, प्ले स्टोर के बाद में फिर एक और एक कोई बड़ा गेम हम खोल देते हैं, मॉडर्न कॉम्बैट 5 देखते हैं यहाँ पर, ये भी बड़ा गेम है। साथ में यहाँ पर चलिए हम इसे थोड़ा लोड हो जाने देते हैं, उसके बाद में हम बैक कर देंगे। तो चलिए यहीं से हम कर लेते हैं। साथ में अब हम ये कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर खोल लेते हैं, ये हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, और फिर हम यहाँ पर खोल लेते हैं अमेज़ॉन। तो यहाँ पर अच्छे खासे हमने एप्लीकेशन यहाँ पर खोल लिए और 3 बड़े गेम भी हमने खोल चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलो एक और एक सबवे सर्फर भी हम खोल के देख लेते हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पर रैम मैनेजमेंट का टेस्ट हो जाएगा पोको F1 6GB वाले वेरियंट का। सो गाइस, जैसे कि अब यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अच्छे खासे एप्लीकेशन यहाँ पर आप बोल सकते हो 3 से 4 गेम यहाँ पर खोले। अब हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं अस्फाल 8 जो हम सबसे पहला खोले थे वो है या नहीं है। तो अस्फाल 8 जैसे कि आप देख सकते हो मेमोरी के अंदर है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। साथ में हम नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट हमने इंस्टाग्राम को लेते हैं, तो इंस्टाग्राम आप देख सकते हो ये भी मेमोरी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। साथ में यूट्यूब भी आपको मेमोरी के अंदर देखने को मिल रहा है, और प्ले स्टोर भी आपको मेमोरी के अंदर है, मॉडर्न कॉम्बैट 5 भी मेमोरी के अंदर है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और अब यहाँ पर देखते हैं और एप्लीकेशन, ये भी आपका मेमोरी में है, साथ में फ्लिपकार्ट भी मेमोरी में है और अमेज़ॉन भी मेमोरी में है, क्या बात है। सबवे सर्फर भी आपका मेमोरी में है, और यहाँ पर अगेन अस्फाल 8 वापस खोल लेते हैं, ये भी आपका मेमोरी में ही है। तो गाइज, आप जैसे कि देख सकते हो 6GB रैम यहाँ पर LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि रैम मैनेजमेंट आपको 6GB वाले वेरिएंट में भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 128GB और 8GB वाले मेमोरी के साथ में जाना चाह रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा 6GB इज़ मोर देन इनफ। 6GB में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर बढ़िया सी रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 8GB रैम वाले मॉडल के लिए जाने के लिए। आई होप कि मित्र सब को रैम मैनेजमेंट टेस्ट पसंद आया होगा, और कमेंट करके नीचे बताना कि आपको कैसा लगा पोको F1 का रैम मैनेजमेंट। आई होप कि मेरी तरफ से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं फिर से अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।